बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर ऑल राइट। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 7, यूनिट नंबर 13। इट्स अबाउट फेथफुलनेस, एंड यू नो वेरी वेल फेथफुलनेस, ईमानदारी, वफादारी। सो लेट्स सी द पॉइंट्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो यू मस्ट कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, कि ये जब तक जहन में नहीं होंगे तब तक आप सही अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। सो इन पॉइंट्स को लाजमन जहन में रखें, और आप खुद फील करेंगे जब आप इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे तो हर चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी, हर चीज़ आसान होती चली जाएगी। एंड इफ़ योर ट्रांसलेशन क्वेश्चन इज ईजी, देन क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज विल बी वेरी ईजी। ओके, नाउ लुक एट दीज डिफिकल्ट वर्ड्स। कन्फेस्ट, एतराफ किया, क्राइम, जुर्म, विटनेस, गवाह, डिले, ताखिर करना, मुलतवी करना, एग्जीक्यूशन, फांसी, सेंटेंस, सजा को भी कहते हैं। एन अकाउंट ऑफ की वजह से, ड्यू, जायज, ट्रस्टी, अमीन, अमानतदार, हैंड ओवर, हवाले करना, श्योरिटी, जामिन, जमानत देने वाला, कॉल टू अकाउंट, जवाबदेह होना, हाइड, छुपाना, और ग्रांट, अता करना। So these difficult words must keep in your mind, and then after that, when you find any paragraph, you must write difficult words, meanings on them. Okay? So look at this. अब इस paragraph में जितने difficult words हैं underline करके उनके meaning ऊपर लिख दें book के ऊपर। फिर क्या होगा, जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगी, आपकी hurdles दूर हो चुकी हैं, problems नहीं रही उसमें। As you have confessed your crime, जैसा कि तुमने कबूल कर लिया अपना जुर्म, there is no need of witnesses, अब गवाहों की जरूरत ही नहीं है, there is no need of witnesses, you are therefore sentenced to death, आपको सजाए मौत सुनाई जाती है, आपको सजाए मौत दी जाती है। I accept this sentence, मैं कबूल करता हूँ ये सजा, but request you, लेकिन आपसे इल्तिजा है, to delay, कि मुलतवी कर दें, ताखीर कर दें, the execution, फांसी में, for 3 days, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए फांसी को मुलतवी कर दिया जाए। कैलिफ, खलीफा ने पूछा, why do you ask for delay in the execution of the sentence? क्यों आप मांगते हो ताखीर in the execution, फांसी में, of the sentence, सजा की? Villager, my father on his death left some gold for my younger brother. मेरे बाप ने अपनी मौत पर छोड़ा था कुछ सोना for my younger brother, मेरे छोटे भाई के लिए, who is too young, जो बहुत छोटा है, is to be told about the place, कि उसको बताया जाए इस जगह के बारे में, where I hid it, जहां मैंने उसे छुपाया है। I have buried the gold in the earth in the field, मैंने मैदान की जमीन में उस सोने को दफना दिया था। And no one knows, कोई नहीं जानता the place, उस जगह को। If my brother, अगर मेरे भाई को on account of my death, मेरी मौत की वजह से, does not get his due share, अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से अपना जायज हक नहीं ले लेता, नहीं हासिल करता, I shall be called to account, मुझे जवाब दे होना होगा on the day of judgment, बरोज़ क़यामत, for being dishonest, बेईमान की हैसियत से, मुझे एक बेईमान की हैसियत से बरोज़ क़यामत जवाब दे होना होगा। Be kind, मेहरबानी कीजिए, and grant me 3 days time, मुझे अता कर दें 3 दिन का वक्त, after handing over the gold, सोने को हवाला करने के बाद, to the trustee, एक अमानतदार को, जामिन को, I will return to face death, I will return, मैं वापस आऊंगा to face death, मौत का सामना करने के लिए, so मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आऊंगा। Caliph, have you anyone who can stand as surety, क्या तुम्हारे पास कोई है who can stand as surety, जो जामिन के तौर पे खड़ा हो सके, and who will be willing to suffer death if you fail to return, और जो who will be willing, जो तैयार भी हो to suffer death, मौत का सामना करने के लिए, if you fail to return, अगर आप आने में नाकाम हो जाते हो तो मौत का सामना करें, मौत को बर्दाश्त करें। Villager, looking at the people present in the court, उस देहाती ने दरबार में मौजूद लोगों की तरफ देखा, एंड पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इशारा किया, पॉइंटिंग टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा किया, दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, ये नौजवान विल स्टैंड एज माई श्योरिटी, खड़ा होगा मेरी जमानत के लिए।
कालिफ एड्रेसिंग हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला, कालिफ ने यानी खलीफा ने मुखातिब किया हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला को, डू यू एग्री टू स्टैंड एज़ श्योरिटी, क्या आप रजामंद हैं जामिन के तौर पे खड़े होने पे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला, आई डू, मैं करता हूँ, मैं देता हूँ जमानत। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला वाज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी, एक बड़े ही मोतबर सहाबी हैं, मुअज़्ज़ज़। The caliph accepted him as the surety. खलीफा ने कबूल कर लिया उनको जामिन के तौर पर। Both the accusers, दोनों मुद्दई भी also agreed to it. वो भी इन पर रजामंद हो गए। And the criminal was allowed to leave. और मुजरिम को जाने की इजाज़त दे दी गई, मिल गई उसको इजाज़त कि वो चला जाए। Look at this activity. Translate into Urdu. As you confessed your crime, there is no need of witnesses. So आसान है, confess का तर्जमा लिखें, crime का लिखें ऊपर और witnesses का लिखें, बस बात खत्म होगी, translation हो जाएगी। जैसा कि तुमने कबूल कर लिया अपना जुर्म, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है गवाहों की। Look at this second. If my brother on account of, underline करें ऊपर meaning लिखें, due share underline करें meaning लिख दें, कॉल टू अकाउंट अंडरलाइन करें मीनिंग लिख दें, और पास्ट टेंस में है, पैसिव में है, द डे ऑफ जजमेंट को अंडरलाइन करें मीनिंग लिख दें, डिसऑनेस्ट अंडरलाइन करें मीनिंग लिख लें, आसान हो जाएगा। तो आप जब इसको तर्जमा करेंगे पढ़ेंगे आसान लगेगा। और डू दिस एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट एनी काइंड ऑफ पैराग्राफ इन टू उर्दू, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दैट पैराग्राफ। ओके, सो आसान हो जाता है इस तरह काम करना। Look at this second activity. Answer these questions. Clear? Now, why did the villager ask Hazrat Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ to delay the execution? کیوں دیہاتی نے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ وہ اس پھانسی کو ملتوی کر دیں, تاخیر کر دیں اس میں, وجہ کیا تھی؟ اور وجہ آپ پتہ ہے, اس پیراگراف میں پڑھی ہے۔ تو اردو میں پہلے اپنے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر کریں, اپنے ذہن میں ایک وجہ بنائیں۔ ہاں جی, اس کے باپ نے اپنی موت کے اوپر چھوٹے بھائی کو کچھ سونا دیا تھا, اب وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو نہیں دیا جا سکتا, سونا رکھوا دیا گیا, اس نے سونا دفنا دیا, اب وہ سونا اس کو کسی جو ہے ایماندار بندے کے حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کو دے سکے۔ سو لک ایٹ دس آنسر, ہی سیڈ دیٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ آف ہز فادر, he said that at the time of death his father had left gold for his younger brother. It was buried in the field. No one knew it except he. He wanted to hand it over to a trustee so that his brother might get that at his maturity. ताकि वो बड़ा होके अपने उसको ले ले। Clear? You can make your own answer also. आप उर्दू में अपने जेन में concept बनाएं, आसान English और आसान से sentence उर्दू में बनाएं, English में translate कर दें। That will be your answer. Clear? On what condition was a criminal allowed to leave? किस condition पर उसको इजाज़त मिली थी कि वो चला जाए? सोचे ज़रा। Obviously कोई ना कोई ट्रस्टी, कोई ना कोई श्योरिटी देनी थी उसने, और वो श्योरिटी किसने दी थी? क्लियर? Look at this answer. He was allowed to leave at the surety of हज़रत अबू ज़र गफ़ारी رضی اللہ تعالیٰ عنہ. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की ज़मानत पर उसको इजाज़त मिल गई कि वो चला जाए। क्लियर? दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी मच ईजी। अगर आपने वो दो पैराग्राफ अच्छे तरीके से पढ़ ली हैं तो ये एक्टिविटीज़ कोई मुश्किल नहीं है। बेटा ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रीड द पैराग्राफ विद अटेंशन, ओके, विद फुल डिवोशन, ओके, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द पैराग्राफ। दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी मच ईजी। क्लियर? ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू प्रैक्टिस एट होम ऑफ दीज पैराग्राफ्स एंड ऑल्सो दीज एक्टिविटीज़, सॉल्व ऑन योर रफ रजिस्टर, सो दैन यू कैन ईजिली You can easily solve any kind of exercise. Clear? Wish you all the best. Take care.